नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर बिहार के भोजपुर में बड़ा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जब काफिला भोजपुर में जो है वो बक्सर से जब लौट रहा था, तो भोजपुर के पास जो है उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर नयका जो टोला मोड़ है उसके पास जो है काफिले पर हमला हुआ है। बता दें कि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर पत्थर फेंकना शुरू किया, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षाकर्मी थे, जब वो उतर करके वहां पे उनको खदेड़ा, तब वो तमाम लोग भाग गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इसी जानकारी दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद जो है बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार पुलिस को टैग करके ये बातें कही हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, अभी भोजपुर जिला के जगदीशपुर में नयका टोला मोड़ के पास से गुजर रहे काफिले में शामिल मेरी गाड़ी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक से हमला कर दिया है। पत्थर है वो फेंका है। सुरक्षा कर्मियों के दौड़ने पर सभी लोग भाग निकले हैं। @NitishKumar और @BiharPolice, ये उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के बक्सर में थे जब उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा हमला बोला है जदयू के उन नेताओं पर, जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा से नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि उनमें थोड़ी भी लाज शर्म बची है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर जदयू के नेताओं के हमले के बीच में उपेंद्र कुशवाहा बक्सर पहुंचे थे। बक्सर में उन्होंने कहा कि वो कोई गाजर मूली नहीं है कि उनको उखाड़ के फेंक दे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जब से बिहार में गठबंधन बनी है उसके बाद से एक संशय की स्थिति है, पार्टी पर एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है और पार्टी लगातार दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। ऐसे में RJD जिस डील की बात कर रहा है वो डील क्या है, इस पर से जरूर खुलासा करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश कुमार पर जो है उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया था। ये कहा था कि वो उन्हें मिलने का वक्त नहीं देते हैं। जब भी उन्होंने पार्टी के बारे में कोई बात की तो उनकी नीयत पर ही सीएम नीतीश कुमार की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे। उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर हैं और इसी बीच में बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर के नयका टोला मोड़ के पास उपेंद्र कुशवाहा के काफिले में शामिल गाड़ियों के ऊपर जो है पथराव की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों की तरफ से पूरी घटना जो है उसको अंजाम दिया गया है। हालांकि बाद में सुरक्षाकर्मी जो उपेंद्र कुशवाहा के स्कॉट टीम में शामिल थे, जब उन्होंने उन लोगों को खदेड़ा तो तमाम लोग भाग खड़े हुए हैं और इसके बाद से नीतीश कुमार और बिहार पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा मौजूदा वक्त में भले ही जदयू में नीतीश और ललन सिंह के खिलाफ बोल रहे हों या फिर पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं के सहारे अपरोक्ष तौर पर हमला बोल रहे हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है फिलहाल जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं, पार्टी के MNC हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं उन्होंने एक तरीके से कहें कि बड़ा हमला नीतीश कुमार और ललन सिंह की अगुवाई में जदयू जो चल रही है उस पर बोला था। कहा कि कुछ लोग जानबूझ के पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के बाद जब आज बिहार के उपेंद्र कुशवाहा बक्सर पहुंचे और बक्सर से जब वो लौट रहे थे जगदीशपुर होते हुए, तो जगदीशपुर में नयका टोला मोड़ के पास जो है उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर यह हमला किया गया। हालांकि हमले में कितनी क्षति हुई है, किसी को चोट आई है या नहीं, ये बहुत अभी साफ नहीं है। जो भी अपडेट होगी लेकिन तुरंत हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।